मेरा सॉन्ग आया था सावरे एंड आई वाज सेलेक्टेड सी सी एल एंड या ऑफ कोर्स फिल्म्स एंड ऑल आर हैपनिंग. मेरे पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करना है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में आप मुझे देखते रहेंगे. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग विच विल कीप अनफोल्डिंग एज द टाइम प्रोसीड्स. जी जब मैं अभी दुबई गई थी आई वॉज सो ओवरवेल्म टू सी यू नो जो वहाँ पे स्टेडियम में जनता का रिस्पॉन्स था दे वर फिनोमिनल दे वर आउटस्टैंडिंग और इतना सारा प्यार एंड यू नो स्पेशली द फीमेल फैंस वर लाइक रियली रियली स्वीट. तो आई थिंक जो इम्पैक्ट था ऑफकोर्स बिग बॉस का वो इतना ऑल ओवर इंडिया तो था बट इट हैज़ टेकन ओवर द ग्लोब and I'm loving it and I was cheering up for Mumbai Heroes and the vibe was superb and the crowd was superb and bahut acha experience raha with the whole team and the team was just like a family to me. kahan pe wo to time aane pe unfold hoga abhi to I think it's a new journey and every week I'm traveling somewhere so I'm just keeping up to everything. काम और फैमिली दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड बट ऑफ कोर्स आप सबको पता चलता ही रहेगा. वाओ 12 मिलियंस हो गए. वाओ मुझे अभी पता चल रहा है आपसे बट आई एम वेरी हैप्पी. इतना इम्पैक्टफुल यू नो इतना इम्पैक्ट क्रिएट करा है उस गाने ने एंड बिग बॉस के घर से बाहर आते यू नो गेटिंग 12 मिलियन इन लाइक जस्ट लाइक you know a week span is amazing. I'm very happy aur jo bhi hai janta ki wajah se hai. aap sabka pyar bana rahe to manara rock karti rahegi. actually jab main dubai gayi thi to bahut sare log the jo aake pooch rahe the you know aapka wo mirchi task humne dekha and this and that and uske baad I think ek vlog bhi dala tha एंड उसके बाद वो सब पूछ रहे थे आर यू ऑल राइट आर यू गुड. सो यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू इंश्योर दैट आई टेल माई फैंस एंड माई ऑडियंस दैट आई एम गुड आई एम ऑल फाइन. मार्क्स है वो तो चले जाएंगे बट जस्ट यू नो मैंने वो पिक्चर डाला बिकॉज अ लॉट ऑफ कंसर्न वॉज कमिंग फ्रॉम द फैंस व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूएई. एक्चुअली सब ने यूएई में मुझसे उसी बारे में डेफिनेटली बात करी थी. सो ऑफकोर्स यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो निभानी पड़ती है इसलिए मैंने वो पिक्चर डाली थी. आई एम वेरी हैप्पी सब लोग काम कर रहे हैं एंड सबकी एल्बम्स आ रही हैं और अलग अलग चीज़ें लोग जो भी कर रहे हैं लाइफ में आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग.